दो लोग दिख रहे हैं आपको, दोनों हल चला रहे हैं। एक आदमी ने पहले क्या बांध लिया और दूसरे ने पहले क्या कर दिया। ये पैसा खींच रहा है, ये पैसा बो रहा है। सफल लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत, जैसे आदमी करा रहा, पैसा डाला, पैसा बो रहा है, पैसा उगा रहा, समझ आ गया। और असफल लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, करते नहीं करते। एक आदमी जैसे मान के चलिए होटल वाला है, बहुत पहले इस आदमी ने करोड़ों रुपया फेंका, करोड़ों रुपया लगाया, बिल्डिंग बनाई, होटल बनाया, सारी चीजें सेटअप की। अभी ये होटल वाला यहाँ है ही नहीं, लोग रखे हैं, लेकिन हम लोग आए 50 लाख का धंधा इसके लिए देखे गए, समझ आया गया, 50 लाख। और हमारे जैसे पता नहीं कितने आते हैं यहाँ पे। इस आदमी ने पैसा फेंक दिया, और एक बहुत अच्छी लाइन आपने सुनी होगी, पैसा फेंक तमाशा देख। यह आदमी वही करा, पैसा फेंक दिया और पैसे तमाशा देख रहा। हमने क्या किया, हमने भी वही किया, डाला ना पहले पैसा, बिजनेस में पैसा डाला, लगाया, काम किया, और आज के टाइम में क्या है, बैठे बैठे पैसा आ रहा। लेकिन नौकरी वाला क्या करते हैं मालूम, सबक 1 से 30 तक जाएगा, एक एक दिन कमाएगा, ऐसा कर रहा है। तो कहां जाना है, यहां या यहां, तो घबराना नहीं है। आज 6,000 लगे कोई दिक्कत नहीं, 6,000 लगाए हैं तो कम से कम 1 साल तो मिनिमम 1 लाख तो इस 1 साल के अंदर, इसी साल के अंदर कमाओगे मिनिमम। लेकिन सीख कर जाना पड़ेगा, समझ आया। तो याद रहो मेरे दोस्त, हमें ये खेल खेलना, घबराना नहीं है, पैसों की वजह से घबराना नहीं है। अगला, असफल लोग डर के कारण रुक जाते हैं, और वहीं सफल लोग डर के बावजूद काम करते हैं। मैं जिस लेडी का एग्जांपल दे रहा था, नाजिया खान, आप लोग जानते हैं वो कहां से है? वो हैदराबाद से, हैदराबाद कहां से है, हैदराबाद से। औरतों को वैसे ही बहुत परेशानी है, मर्द का कुछ नहीं होता, औरतों को कई जवाब देने पड़ते हैं, माँ बाप को जवाब देने पड़ते हैं, पति को जवाब, बच्चों को जवाब, समाज, बहुत सारी चीजें, बहुत बंदिशें रहती है। जो नाजिया खान है वो हैदराबाद की रहने वाली है, और हैदराबाद में सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बैन है, वहां पे काम नहीं होता, कोई भी आदमी हैदराबाद में काम नहीं करता, सरकार ने वहां पे प्रतिबंध लगाया है, नेटवर्क मार्केटिंग बैन है हैदराबाद में। अब जब उस बेचारी ने शुरू किया था, किया तो हैदराबाद से था, एक टाइम के लिए पूरा बिजनेस डाउन हो गया, जीरो हो गया। कई लोग थे जो अपनी पुरानी जिंदगी में चले, नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन वो लेडी डर के बावजूद भी लड़ी, और आज हैदराबाद से निकल के बाहर काम किया, और पिछले महीने आपने देखा होगा 1 सप्ताह का चट्टा 4,72,000। सफल लोग जो होते हैं वो डर के बावजूद काम करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सारा सफल आदमी पता क्या है, टेंशन में, बरसात हो रहा है सर, गर्मी हो रहा है, ठंडा मार दिया, ये मार दिया, अभी कई लोग यहां आए हैं, यहां जाने के बाद उनको बीमारी मार देगा, बिस्तर पकड़ लेगा, सारा काम कब करेगा बे है? सोच के देखो, तो कोशिश करो, कुछ भी हो। मैंने 2 दिन पहले जो टीम आई थी उसमें एक लड़का था, मिस्टर आनंद ठाकुर। जब स्टेज पे रोहित सर ने बुलाया तो एक बात मैंने उसके मुंह से सुनी और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। तो रोहित सर ने सवाल पूछा, हाँ ठाकुर, इतना बड़ा चेक बना है, कभी तो जीरो भी रहे होंगे, कभी तो बुरा समय भी देखा होगा। तो ठाकुर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सर, बुरा समय तो जिंदगी में बहुत आया, लेकिन इतना बुरा समय भी नहीं आया कि मैंने कभी जीरो लगाया।
चेक बना है 500 का बना है, 600 का बना है, 1000 का बना है, लेकिन जीरो का कभी नहीं बना है। और यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ भी हो लेकिन जीरो ना। समझ आया? यस सर। यहां से जाना है, कुछ भी बने, चाहे 50 बीवी का ज्वाइनिंग हो, 50 बीवी की क्लोजिंग हो, लेकिन जीरो ना हो मेरे दोस्त। जहां पे आपने जीरो लगा दिया, समझिए कि आपने अपना जो सफलता है उसको एक कदम पीछे कर दिया। समझा? तो जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, हालात परिस्थितियां जैसे मर्जी हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए अगला। सफल लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं, असफल लोग जान बहुत लगा गए। अरे मुझे पता है यार, 1000 पटियाल समय कौन सी ट्रेनिंग देनी है, मुझे पता है। प्रेजेंटेशन में जा रहे हो ना, अच्छा मुझे पता है भैया प्रेजेंटेशन में होता क्या, देखिए इसके बाद ये बोलेगा, इसके बाद ये कहानी सुनाएगा। सला वो अपने आप को चाणक्य बना हुआ है, उसे सब पता है, और खुद अपने आप से लापता है। खुद पता नहीं है उसको कि भैया वो आदमी कहां स्टैंड करता है, उसकी जिंदगी कहां है, उसके घर वाले कहां है। तो एक चीज समझ जाइए, मैंने पहले भी कहा कि सीखते रहना है, सीखना बंद तो जीतना बंद। लगातार हम हर उम्र में सीख सकते हैं। मैंने पहले कहा कि भैया हम केवल डाउनलाइन से सीखते हैं, अपलाइन से सीखते हैं, अलग जो अलग जो टीममेट्स हैं हमारे उनसे सीखते हैं, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, सबसे सीखते हैं। तो सीखना जारी रखिए, ऐसा नहीं कि मुझे आता है, जिसको आता है वो फिर कहीं नहीं जाता। समझ आया? तो भैया हमें खाली रहना है। सफल लोग उपायों के बारे में बात करते हैं, असफल लोग लोगों के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, कैसे बाहर निकलना है इसका सोची। कोरोना हुआ था भी बहुत घातक, साला 2020 में लगा जिंदगी रुकी गई, गलत कह रहा हूं। 2020 आया, सारे के सारे साला घर में पैक हो गए, एकदम से सब खत्म, आना जाना सब बंद, कहीं भी रोड में दिखते सारा पुलिस वाले और कुटाई करते, खूब लट पड़ रहे हैं लोगों को, है ना? वो सारा कोई भी हो, छोटा बड़ा जो मेरा, पुलिस वाले मुर्दा बना रहे हैं, मुर्दा बना के जुनाई कर रहे हैं, बहुत परेशानी था। 2020 में, सर 2020 में और 2021 हमारी जिंदगी का बहुत बुरा समय निकला, बहुत हालात खराब हुए, हिंदुस्तान के तो हुए लेकिन पूरे दुनिया के। लेकिन हमें यह पता था ही नहीं कि हमारे वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए। क्या वो आदमी नहीं थे? क्या उन्हें कोरोना नहीं हो सकता था? हो सकता था ना? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? थे। क्या फौजियों के बीवी बच्चे नहीं थे? आपको क्या लगा कोरोना हुआ होगा, सारे फौजी बॉर्डर छोड़कर सर अपने बीवी बच्चों के पास घुस गए? ऐसा हुआ क्या? सारे पुलिस वाले बीवी बच्चों के पास हुआ क्या? नहीं। प्रॉब्लम थी फिर तो टिके रहे। हुआ होगा कई वैज्ञानिकों को कोरोना, परेशानियों का सामना उन्हें भी करना होगा, जाने उनकी भी गई होंगी। लेकिन अगर वो डर जाते, अगर वो सिर्फ ये बात, अरे यार कोरोना में ये भी मर गया, वो भी मर गया, साला मर मर के तो फिर तो भैया वो भी मर जाते। सोच सोच के तो मरता है ना आदमी, नींद तो नहीं आ रही किसी को? देखो भाई, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। सोएंगे तो मेरे बाप का क्या जाएगा, मेरे लिए तो 2-4 बंदे भी काम कर लेंगे, मेरा निकल जाएगा। समझ आया नहीं? लेकिन आपको तो अपनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो अगर वैज्ञानिक ये सोचते कि ये भी मर गया, वो भी मर गया, इतने मर गए, हर दिन साला पता नहीं कितने मर जाते थे, तब तो वैज्ञानिक कभी वैक्सीन बना ही नहीं पाते। लेकिन उन्हें पता था उन्हें क्या करना, वो समाधान ढूंढ रहे थे, वो कैसे इस दुनिया को कोरोना से बाहर लेकर आना है वो ढूंढ रहे, और उन्होंने वो चीज 2021 में तैयार किया। हम सब ने वैक्सीन लगाया और यही वजह है कि आज हम सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। कर रहे ना? तो ये हमारे वैज्ञानिकों का कमाल था, डर के बावजूद उन्होंने काम किया, तकलीफ उनको भी आई, लेकिन सारा सफल लोग क्या करते हैं,
वो लोगों के बारे में बात, यार ये भी निकल गया, वो भी निकल गया, वो भी हो गया, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, सारा उसी में फंसा हुआ। समाधान के बारे में सोचे, समाधान कैसे निकालना है उसके बारे में सोचिए, ठीक है।